हाय दोस्तों, मेरा नाम मनन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप बिना किसी रूट के और बिना किसी बॉक्स के अगर आप IMEI रिपेयर करना चाहते हैं किसी भी स्मार्टफोन का, अगर उसमें अगर MediaTek का MTK CPU है तो उसे आप उसका जो IMEI है आप 100% उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे हाथ में देख सकते हैं कि ये हमारे हाथ में माइक्रोमैक्स का D321 मॉडल है और इस मोबाइल में जो प्रॉब्लम है कि इसमें जो IMEI जो है इनवैलिड है। तो दोस्तों किसी भी मोबाइल का IMEI चेक करने के लिए आपको डायल में क्लिक करना है, उसके बाद इसमें आपको *#06# आपको डायल करना है, उसके बाद इसमें जो IMEI शो करेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे हमने *#06# डायल किया, उसके बाद हमारा जो ये IMEI शो कर रहा है और इस मोबाइल में यहाँ पे दिख रहा है कि IMEI जो है इनवैलिड है पूरी तरह से। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप मोबाइल को बिना रूट किए ही आप इसका IMEI रिपेयर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी बॉक्स के। अगर आप जानना चाहते हैं कि बिना किसी बॉक्स के IMEI कैसे रिपेयर किया जाता है स्मार्टफोन का, तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मनानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो के नीचे यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि IMEI इनवैलिड क्यों होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी कभी आप किसी मोबाइल को जब आप फ्लैश करते हैं तो फ्लैश करने के दौरान, फ्लैश होने के बाद कंप्लीट फाइल फ्लैश हो जाता है मोबाइल, उसके बाद उसका IMEI जो है इनवैलिड हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उस फ्लैश फाइल के अंदर में जो SP फ्लैश टूल होता है और उसमें IMEI राइट टूल होता है, ठीक है। तो ये दोनों टूल जो ऑलरेडी पहले से ही उसमें दिया हुआ रहता है उस फ्लैश फाइल के अंदर में। किसी भी माइक्रोमैक्स का अगर आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं उसमें साथ में ये SP फ्लैश टूल और IMEI राइट टूल जो है दोनों दिया हुआ होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं SN राइट टूल, ठीक है, इसे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों इस टूल को आपको जो है ओपन कर लेना है। तो जैसे ये टूल ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों यहां पे USB VCOM पोर्ट है, तो आपको USB VCOM पोर्ट को वही आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन को ही आपको जो है यहां पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं कि सिस्टम पे आपको क्लिक करना है और सिस्टम पे जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से सेटिंग खुलेगी आपके सामने। और इस सेटिंग में आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले से जो है ऊपर में, सबसे ऊपर में आप यहाँ देख रहे हैं कि IMEI पे यहाँ पे चेक लगा हुआ है, तो ये आपको IMEI पे चेक लगा देना है, इसको यहाँ पे इसको अनचेक नहीं करना है। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डुअल्स IMEI, ठीक है। यहाँ अगर मान के चलिए अगर आपको दो IMEI अगर आपको रिपेयर करना है तो यहाँ पे डुअल IMEI को चेक लगाना है। अगर मान के चलिए आपको 3 IMEI आपको रिपेयर करना है या 4 IMEI आपको रिपेयर करना है तो इस पर आप चेक लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि मैं आपको 2 IMEI रिपेयर करके दिखाने वाला हूं। तो यहां पे मैंने डुअल IMEI पे जो है चेक लगा दिया है, उसके बाद बाकी इन किसी पे भी आपको चेक नहीं लगाना, सिर्फ आपको डुअल IMEI पे चेक लगा देना है। उसके बाद आपको यहां कुछ जरूरी फाइल आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, तो आप यहां पे नीचे में देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पे APDB फाइल के नाम से यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे APDB पे हम क्लिक करेंगे और जैसे हम APDB पर क्लिक करेंगे तो हमारे फ्लैश फाइल के अंदर में जो फ्लैश फाइल हमने डाउनलोड की है, जिस मोबाइल को मैंने फ्लैश किया, जिस मोबाइल में हमें IMEI रिपेयर करना है, तो उस मोबाइल के फ्लैश फाइल में हमें जाना है, उसके फोल्डर में जाना है। और फोल्डर में जाने के बाद हमें यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि माइक्रोमैक्स D321, तो ये फ्लैश फाइल हमने डाउनलोड किया था और इस फ्लैश फाइल के अंदर में फार्मवेयर पर हमें क्लिक करना है। और जैसे हम फार्मवेयर पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि APDB फाइल, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि APDB फाइल, इसे हमें सेलेक्ट कर लेना है। चलिए फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि APDB फाइल आपको कैसे सेलेक्ट करना है और कौन से फाइल को सेलेक्ट करना है। चलिए फिर से मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो APDB MTK 6572, ठीक है, इस फाइल को हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे MD देख रहे हैं, MD पे आपको यहाँ पे BPLZ फाइल को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद आप वापस आ जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे IMEI का ऑप्शन आ जाए।
तो दोस्तों जब IMEI का ऑप्शन आ जाएगा उसके बाद इसमें आपको IMEI जो है टाइप करना है। तो दोस्तों आपको IMEI टाइप करना है उसी मोबाइल से जिस मोबाइल में आपको डालना है, ठीक है। उस मोबाइल के बैटरी के पीछे जो IMEI नंबर लिखा होता है तो उसे मैंने पहले से ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पर लिख करके रखा है, IMEI नंबर 1 और IMEI नंबर 2, ठीक है। तो इन दोनों को हम यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि IMEI चेंज ना करें और IMEI को सिर्फ आप रिपेयर करें, क्योंकि IMEI जो चेंज करना जो गैरकानूनी है, तो इसलिए आप कभी भी किसी भी मोबाइल का जो IMEI चेंज ना करें। तो इस तरह से हम जो है अपने IMEI को जो कॉपी करके इसमें यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो जैसे IMEI कॉपी करके हम यहाँ पे डाल देंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। और जैसे हम ओके पर क्लिक कर देंगे उसके बाद हमें अपने मोबाइल को जो है अपने जो कंप्यूटर से कनेक्ट करना है USB डाटा केबल से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ मोबाइल को आपको कैसे कनेक्ट करना है। तो मोबाइल का बैटरी निकाल देना है, मोबाइल को ऑफ हालत में रखना है, मोबाइल को ऑन नहीं करना है। मोबाइल का बैटरी निकाल देना है, फिर बैटरी लगाना है उस पर, फिर उसके बाद फिर उसमें USB डाटा केबल को आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें ऑटोमेटिकली IMEI जो है रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। तो अगर फिर भी नहीं होता तो अभी यहाँ पे डिवाइस में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्यों IMEI रिपेयर क्यों नहीं हो रहा है। और नहीं लेने का कारण होता है कि आपको बहुत से आदमी का सब्सक्राइबर जो है कमेंट्स आता है कि हम लोग जो करते हैं तो हमारा होता नहीं है और प्रॉब्लम करता है जो है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि डिवाइस मैनेजर में जो है यहाँ पर कुछ ड्राइवर जो है इंस्टॉल कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिस कारण से हमारा IMEI जो है फेल लिखता है, ठीक है। इस तरह से अगर आपका फेल लिखे तो आप परेशान ना हो, आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम दोबारा कॉपी कर लेते हैं उस IMEI नंबर को, दोबारा यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक बार जो है हमारा IMEI जो है फेल लिखा, तो हम दोबारा फिर से ट्राई कर रहे हैं और फिर से हम इस पे यहाँ पे जो ओके पे क्लिक किए हैं उसके बाद हम अपने मोबाइल को बूट करा रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ड्राइवर मिसिंग था हमारा, ये ड्राइवर ले रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जब ड्राइवर आपका मिसिंग रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप दो बार तीन बार आप कोशिश करें, आप परेशान ना हो और दोबारा आप कोशिश करें, ट्राई करें, आपका जो है ऑटोमेटिकली जो है IMEI रिपेयर हो जाएगा। तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे MTK ड्राइवर लेने के बाद जो है VCOM ड्राइवर लेने के बाद भी और भी कोई जिसमें जो है ड्राइवर लेता है, ठीक है। तो आप बार बार जब आप बूट कराएंगे मोबाइल को तो ऑटोमेटिकली वो ड्राइवर लेना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ड्राइवर एक एक्स्ट्रा ड्राइवर यहाँ पे ले रहा है। तो चलिए इस ड्राइवर को हम इंस्टॉल होने के लिए देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ड्राइवर जो इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारा जो यहाँ पे फेल लिखा है। चलिए हम फिर से एक बार और ट्राई करते हैं। तो दोस्तों चलिए इस बार मैं आपको दिखा देता हूँ मोबाइल को, कि मोबाइल को आपको कैसे बूट कराना है। चलिए आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको मोबाइल कैसे बूट कराऊंगा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से आपको मोबाइल को बूट कराना है। तो जैसे पहले आपको IMEI टाइप करके ओके करना है, ओके करने के बाद आपको मोबाइल से बैटरी निकाल देना है, बैटरी निकालने के बाद दोबारा बैटरी लगाना है, उसके बाद आपको USB डाटा केबल उसमें लगा देना है और अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। और जैसे आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपका फोन जो है एंड्रॉइड पर लिखेगा, यहाँ पे एंड्रॉइड पे लिख करके जो ही रुका हुआ रहेगा, उसके बाद आप समझ लेंगे आपका फोन जो है बूट कर चुका है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपका जो IMEI रिपेयर हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा IMEI जो यहाँ पे रिपेयर हो रहा है, और ये पास लिख दिया। पास लिखने का मतलब है दोस्तों कि हमारा जो IMEI जो सक्सेसफुली राइट हो चुका है हमारे फोन में, ठीक है। और अगर फेल लिखता है तो इसका मतलब हमारा IMEI जो है राइट नहीं हो पाया हमारे मोबाइल में, ठीक है। और पास लिखने का मतलब है कि हमारा मोबाइल जो है सक्सेसफुली IMEI जो है राइट हो चुका है। तो चलिए इस मोबाइल को हम ऑन करके देख लेते हैं कि हमारा मोबाइल का जो IMEI जो है वो सक्सेसफुली राइट हुआ कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है। उसके बाद हम चलिए यहाँ पे फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे *#06#,
ये डायल करने के बाद यहाँ आईएमआई नंबर जो शो कर रहा था, आप देख रहे हैं हमारा आईएमआई जो है सक्सेसफुली जो है यहाँ पे राइड हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके किसी काम आया, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।